अनुलोम विलोम प्राणायाम। किसी भी ध्यान मुद्रा में बैठें। अपने दाहिने हाथ को नाक तक ले जाएं। अनामिका और कनिष्ठिका उंगली बाईं नासिका पर रखनी चाहिए। दायां अंगूठा दाईं नासिका पर रखना चाहिए। दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से सांस अंदर लें। फिर बाएं हाथ से बाईं नासिका को बंद करें और दाईं नासिका से अंगूठा हटाकर सांस बाहर छोड़ें। दाईं नासिका से सांस अंदर लें। इसके बाद दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से सांस बाहर छोड़ें। यह पूरी प्रक्रिया अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। यह पूरी प्रक्रिया 5 बार दोहराई जानी चाहिए। फिर बाईं नासिका से सांस अंदर लें और दाईं नासिका से सांस बाहर छोड़ें। दाईं नासिका से सांस अंदर लें और बाईं नासिका से सांस बाहर छोड़ें। बाईं नासिका से सांस अंदर लें और दाईं नासिका से सांस बाहर छोड़ें। दाईं नासिका से सांस अंदर लें और बाईं नासिका से सांस बाहर छोड़ें। बाईं नासिका से सांस अंदर लें और दाईं नासिका से सांस बाहर छोड़ें। दूसरा चक्र। तीसरा चक्र। चौथा चक्र। पांचवां चक्र। ध्यान मुद्रा में वापस आ जाएं और विश्राम करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लाभ। यह अभ्यास पूरे शरीर का पोषण करता है, शांति प्रदान करता है और एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक है। तनाव एवं चिंता के स्तर को कम करता है।
यह कफ विकार को भी कम कर